आप देख रहे हैं वर्ल्ड मीडिया टाइम्स और खबर प्रयागराज से। चोरों को नहीं रहा खाकी का डर, लूटपाट की घटना को लेकर दिया अंजाम, जांच में जुटी पुलिस। संगम नगरी प्रयागराज में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद है कि चोरी की घटना को भी गिरोह बनाकर अंजाम दे रहे हैं। वहीं इन चोरों के पास अवैध रूप से रखे गए देसी तमंचे व धारदार हथियार भी मौजूद रहते हैं और पूरे इत्मीनान के साथ किसी भी घर को अपना लक्ष्य बनाकर चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। कुछ इसी प्रकार की घटना बारा थाना क्षेत्र के धारा गांव में घटी, जहां कमलेश कुमार भारती पुत्र बद्री प्रसाद भारती के घर बीती रात चोरों के गिरोह ने घर में घुसकर लूटपाट करते हुए परिजनों के साथ मारपीट की, जिसमें कमलेश कुमार भारती की पत्नी को गंभीर चोटें आईं। और कमलेश कुमार भारती ने बताया कि लगभग आधा दर्जन लोग थे जिनके पास धारदार हथियार और हथियार के अलावा लाठी डंडे व पिस्टल भी मौजूद थे, जिसके बल पर वह घर में रखे सोने चांदी के गहनों के साथ नकदी रुपए भी लूट ले गए। और इस दौरान कमलेश की घायल पत्नी को स्वास्थ्य केंद्र जसरा ले जाया गया, जहां पर उसका इलाज कराया जा रहा है। और पूरे मामले को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयाग श्रेष्ठ त्रिपाठी ने बताया कि टीम लगाई गई है, जल्दी मामले का खुलासा किया जाएगा। बारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव है, गांव से बाहर एक व्यक्ति कमलेश जो है अपना घर में एक मड़ई बना करके सड़क के किनारे रहते हैं, जहाँ उनकी एक छोटी सी दुकान है और सिलाई का काम भी करते हैं। कल रात को जब वो अपने पत्नी और बच्चों के साथ वहाँ पर सोए हुए थे, कुछ अज्ञात व्यक्ति आए जिन्होंने चोरी का प्रयास किया। घर के लोग जब जग गए उसी में देखते हुए, तो उनके साले जो सड़क के दूसरी तरफ सो रहे थे घुमटी में, वो भी आए और सबने मिलकर उनको पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ से चोर जो घर के अंदर घुसे थे चोरी से वो भाग निकले, लेकिन कुछ साक्ष्य वो छोड़ गए हैं जिनके आधार पर, और ऐसा बताया जा रहा है कि उनको पहचानते भी हैं, अजीब नाम नहीं जानते हैं, उनको अरेस्ट किया जा रहा है, टीम लगी हुई है, शीघ्र उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।